कैसे हैं? आज मैं बना रही हूँ भटके टुक्के, जो ये मैंने एक दिन पहले रात को उसको भिगो दिए थे। अब मैं इसको दिन में बना रही हूँ। ये देखिए, मैं अंडे अंडे ये सब हमें चाहिए जो इसके अंदर हम डालेंगे। ये भीगे हुए भट जो हमें अभी हमसे पीसेंगे सिलबट्टे में, और थोड़ा आटा चाहिए जिससे हम घोल बना के डालेंगे। लहसुन, धनिया, टमाटर और हरी मिर्च, थोड़ा तेल लेंगे और पानी डालेंगे, और ये थोड़े मसाले जो हम डेली यूज़ के होते हैं हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मेरी सासू माँ पीस रही हैं सिलबट्टे में। सिलबट्टे का स्वाद तो आप सब लोग जानते ही होंगे, कितना स्वाद बनता है इसमें खाना अगर कुछ पीसे तो। आप एक बार सिलबट्टे में ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए लहसुन, आप इसके अंदर जो मर्जी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च, लहसुन। अब मेरी सासू माँ जीरा डाल रही हैं इसके अंदर। ये देखिए, हाथ का स्वाद अलग ही आता है सिलबट्टे में जो पीसते हैं। वैसे हम इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। देखिए इस तरह पीस रहे हैं। ये उत्तराखंड की बहुत मशहूर भट की दाल बोलते हैं इसको, ब्लैक सीड्स भी बोल सकते हैं आप। जो उत्तराखंड से हैं वो तो सब जानते ही हैं ये क्या है। इसके चुटकानी भी बनती है और डुबके भी बनते हैं। डुबकों को ज़्यादातर गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा खाई जाती है, और चुटकानी जो है सर्दियों के सीज़न में ज़्यादा खाई जाती है। ये देखिए कुछ इस तरह कर रहे हैं सासू माँ। ये देखिए, अब हमने सारे जितने भट्टे हमने सारे पीस लिए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इसके अंदर। अच्छे से सासू माँ सिलबट्टा साफ कर देते हैं ऐसे हाथों हाथ उसे। ये देखिए, ये इस तरह हो गया पिसके। अब हम कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे। लोहे की कढ़ाई में इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। लोहे की कढ़ाई में बनाना है, आप इसमें प्याज का तड़का भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, टमाटर, आप जितने मर्जी टमाटर डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। बस अब हम टमाटरों में थोड़े मसाले ऐड करेंगे, मसालों को अच्छे से पकने देंगे। अब ये मैंने नमक डाल दिया इसमें, हल्दी, धनिया पाउडर, आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, जो मसाला आप वो डाल सकते हो, किचन किंग भी ऐड कर सकते हो, कोई भी मसाला ऐड कर सकते हो उसमें। अब हम इसमें आटे का घोल डालेंगे। डुबकों में आटे का घोल बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, अब हम इसको इस तरह कर देंगे। देखिए इसके सारे निकाल देंगे। ये मेरा मसाले और टमाटर पक गए हैं। अब हम इसमें भट डाल देंगे। ये देखिए इस तरह, इसको हम भात के साथ खाते हैं, चावल यानी कि। ये हम थोड़ा पानी डालेंगे, आपको जितना पतला करना है पतला कर सकते हैं, जितना गाढ़ा करना सकते हैं कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ये आटे का घोल डाल दूंगी। आटे का घोल ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डाल सकते हो, जितना थोड़ा डालोगे उतना अच्छा है। ज़्यादा ये डुबके जो है ज़्यादा गाढ़े अच्छे नहीं लगते, सिर्फ पतले पतले अच्छे लगते हैं। ठीक है, पानी मैंने और पतला करने के लिए मैंने और पानी डाल दिया इसमें। ये देखिए कुछ इस तरफ दिख रहा है इसका लुक। ये अब पकने के बाद इसका कलर चेंज हो। आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ नींबू इसके अंदर। देखिए ये देखिए बन गए हैं, इस तरह दिखते हैं बनने के बाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक दे दीजिए। बाय।